हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बताते आ रहे थे कि दीपावली के आसपास आपको रिफंड प्रक्रिया का प्रोसीजर चालू कर दिया जाएगा, तो दोस्तों हमारी बात बिल्कुल सत्य निकली। जैसे कि आप जानते हैं कि सेवा विभाग ने 5,000 की देनदारी का एक प्रोसीजर चालू किया है। तो दोस्तों आपसे आगे खबर यह है कि पल्स की संपत्ति को बेचने और निवेशकों को वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी द्वारा समिति का गठन किया गया था। बाजार नियामक सेबी ने 16 अक्टूबर को कहा कि 5,000 रुपये तक के दावों के लिए पीएसएल के निवेशकों द्वारा दायर किए गए आवेदनों को फिलहाल रिफंड करने के लिए संसाधित किया जा रहा है। फरवरी में बाजारों के प्रहरी ने पल्स के निवेशकों से 30 अप्रैल को सेनावर्ती न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाले पैनल को अपने रिफंड आवेदन प्रस्तुत करने को कहा। पल्स की संपत्ति को बेचने और निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी द्वारा समिति का गठन किया जा रहा है किया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने एक बयान में कहा कि निवेशकों द्वारा 5,000 रुपये तक का दावों के लिए दायर किए गए आवेदनों को वर्तमान में रिफंड प्रभावित करने के लिए संसाधित किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान धन वापसी प्रक्रिया में उन निवेशकों के दावों को दावा किया जा रहा है कि मूल बांड प्रमाण पत्र और भुगतान की बकाया रसीद जैसे अपेक्षित दस्तावेज के कब्जे में है, इसे जोड़ा गया है। नियामक ने पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के अन्य निवेशकों को भी समिति की अधिसूचना का इंतजार करने को कहा है। 5,000 रुपये से अधिक के दावों के साथ साथ अन्य मामले जैसे कि नामांकित व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी के दावों को आवेदन या जहां निवेदनों के निवेशकों के पास कोई रसीद नहीं है या केवल कुछ प्रतियों या केवल अंतिम रसीद और या वे कब्जे में है, बांड प्रमाण पत्र या निवेशक के पास केवल पीएसएल द्वारा जारी पावंती नहीं है आदि, इस तरह के दावों से संबंधित समिति द्वारा अधिसूचना का इंतजार करने का अनुरोध किया जाता है उचित समय पर। यह कहा, पीएसएल ने अवैध रूप से जनता से लगभग 60 करोड़ रुपये एकत्रित किए, मुख्य रूप से कृषि और रियल इस्टेट व्यवसायों के नाम पर, और सेबी द्वारा इन फंडों को 18 से अधिक वर्षों के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से एकत्रित किया गया। दोस्तों ये न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, तो दोस्तों देखिए आपको किस तरीके से 30 साल से चली आ रही कंपनी को अवैध तरीके से धन एकत्रित करने का एक ठप्पा इस कंपनी पर लगाया गया। तो दोस्तों लाइसेंस भी इन्होंने दिया और कंपनी का टैक्स भी वसूलते रहे, और जब कंपनी ने करोड़ों रुपया एकत्रित कर लिया तो इस पर अवैध रूप से धन एकत्रित करने का ठप्पा लगाकर सारा रुपया अपने कब्जे में कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराएगी नहीं तो और क्या होगा। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस्ट न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आया तो हमारे एस्ट न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।